देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चाचा जी को ट्रक चलाते देख मेरे मन में भी एक दिन ख्याल आया ट्रक ड्राइविंग सीखने का। तभी मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी मुझे भी ट्रक चलाना सीखना है। मेरे विनती करने पर चाचा जी ने हाँ कह दिया और तब से मैं चाचा जी के साथ ड्राइविंग सीखने लगा। चाचा जी बीच बीच में स्टीयरिंग थमा देते जिसके चलते मैं कुछ हद तक ड्राइविंग सीख ही गया था। फिर एक रोज चाचा और मैं ट्रक लोड करके हिमाचल से पूना के लिए निकले। हम लोग चलते चलते औरंगाबाद पहुंच चुके थे और रात भी अब काफ़ी हो गई थी जिस वजह से मेरी आंखें भारी होने लगी थीं। तभी चाचा जी ने वहीं के एक ढाबे पर ट्रक रोक दिया और खाना खाने के बाद वहीं ढाबे पर ही अपना बिस्तर लगा लिया और ढाबे के सभी लोग भी एक आध घंटे में वहीं सो गए थे। तकरीबन दो घंटे बाद किसी आवाज़ के चलते मेरी आँख खुल गई। वो आवाज़ ट्रक के दरवाजे की थी। जब मैंने ट्रक के नीचे देखा तो मुझे किसी के पांव दिखे जिससे मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। जब वो शख्स ट्रक के पीछे से दूर जाने लगा तो मैं तो दंगी रह गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैं चुपचाप बिना कुछ बोले ही बिस्तर पर लेट गया। दरअसल वो एक औरत थी जो सफ़ेद साड़ी पहने जंगल की ओर जा रही थी और कुछ दूर जाते ही हवा में गायब हो गई। ये सब देखते ही मेरी नींद ही उड़ गई थी और रात भर मैं बेचैन रहा। चाचा जी को जगाना चाहा मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। खैर जब सुबह हुई तो हम तुरंत ही वहाँ से पुणे के लिए निकल गए। पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और वो औरत कौन थी और वो हवा में कैसे धुआं बन गई ये सब तो मैं नहीं जानता। पर हाँ आज भी मैं उस घटना को याद करके सिहर जाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।